पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस वीडियो में एक व्यक्ति अपने हाथ में बैग लिए हुए कहीं जा रहा है। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आफताब पूनावाला है। पुलिस का कहना है कि आफताब इस बैग में श्रद्धा के अंगों को कहीं ठिकाने लगाने ले जा रहा है। आफताब और श्रद्धा जिस फ्लैट में रहते थे उस फ्लैट के मकान मालिक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अचानक पानी का बिल ज्यादा आने लगा था, क्योंकि शायद जब आफताब श्रद्धा की बॉडी को काटता था तो नल ऑन रखता था जिस वजह से आवाज बाहर न जा सके। करीब 2 साल से आफताब श्रद्धा को पीटता था, लेकिन श्रद्धा ने कभी भी इस बारे में जिक्र किसी से नहीं किया। उसने एक बार अपने ऑफिस के मैनेजर को बताया, वो भी छुट्टी लेने के लिए। उसने कहा कि कल रात के मार के बाद हालत इतनी खराब है कि बेड से उठा तक नहीं जा रहा। इन लड़ाई झगड़ों से तंग होकर एक बार श्रद्धा ने पुलिस कंप्लेन करने की भी कोशिश की, तो आफताब ने यह कहकर रोक लिया कि अगर तुमने कंप्लेन किया तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। आफताब ने बताया कि पकड़े जाने के डर से उसने श्रद्धा को मारने के बाद उसके सिर को जला दिया ताकि कोई पहचान ना सके। ये सब सोच के ही रूह कांप जाती है, और न जाने उस हैवान ने इन सबको इतनी आसानी से अंजाम कैसे दे दिया। कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की परमिशन दे दी है। उम्मीद है बहुत जल्द ही इस हैवान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।